हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप इस वक्त देख रहे हैं टेक वर्ल्ड 124। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो का जो साइज है उसको कैसे कम कर सकते हैं, वो भी वीडियोस की क्वालिटी बिना खोए। तो दोस्तों, ये काफी आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पीसी में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है हैंड ब्रेक। तो मैं उस एप्लीकेशन का आइकन आपको शो कर देता हूं। देखिए, यहां पर आपको जो एप्लीकेशन दिख रही है, इस एप्लीकेशन का आइकन कुछ इस तरीके से होगा। अभी आप यहां देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन का नाम है हैंड ब्रेक, जिस पर कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं। तो अब इस एप्लीकेशन की मदद से हमें अपनी वीडियोस को के साइज को कम कैसे करना है, हम वो सीखेंगे। तो मैं वीडियो को साइज कम करने से पहले सबसे पहले आपको मैं एक अपनी एक वीडियो दिखाता हूं जिसका साइज हम देख लेते हैं कि उसका साइज कितना है। तो इसके लिए मैं अभी आपको दिखाता हूं, अपनी एक वीडियो ले लेते हैं हम। देखिए, यहां पर मैंने एक वीडियो सेलेक्ट करी है जिसका नाम मैंने टेस्ट दिया है। अभी हम इस वीडियो का साइज देख लेते हैं कि साइज कितना है। प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि ये जो वीडियो का ये फॉर्मेट है ये MP4 में है और इसका साइज है 1.69 GB। अभी हम देखते हैं कि उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम इसका साइज कम से कम कितना कर सकते हैं और वो भी बिना क्वालिटी को गवाए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस वीडियो को प्ले करके इसकी क्वालिटीज देख लेते हैं कि इसकी क्वालिटीज कैसी है। चलिए हम देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। ये देखिए, ये भी एक वीडियो है जो मैंने कैमरे के ऊपर बनाई थी, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए, अभी आपने क्वालिटीज देख ली, अब हम देखते हैं कि जो हमारी वीडियो का आउटपुट होगा कन्वर्ट होने के बाद में वो किस तरह का होगा। तो इसके लिए अभी हम सबसे पहले चलते हैं हैंड ब्रेक में अपने। जैसे ये एप्लीकेशन ओपन होगी, तो इसको ओपन होने के बाद में आपको सबसे पहले सोर्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको जाना है सोर्स में। तो अभी हम सोर्स पर क्लिक करते हैं। सोर्स में जाने के बाद आपको यहां एक ऑप्शन दिखाई देगा फोल्डर का, सॉरी फाइल। अभी आपको फाइल पर क्लिक करना है और जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहां से आप अपनी जहां भी आपकी वीडियोस जिसका साइज आपको रिड्यूस करना है, कम करना है, आप उसको सेलेक्ट करें। तो मैं अपनी फाइल को सेलेक्ट करता हूं, मेरी फाइल डेस्कटॉप है, आप अपनी फाइल कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम उसी फाइल को सेलेक्ट करने वाले हैं, टेस्ट, जिसका नाम टेस्ट था। तो अभी हमने यहाँ से इसको डबल क्लिक करके हमने ये सेलेक्ट कर लिया और ये फाइल अभी लोड होने लगी। तो अभी यहाँ पर आप देखें कि मैंने जो अपनी फाइल सेलेक्ट करी है टेस्ट, वो देखिए यहाँ पर ये है इसका नाम टेस्ट। ठीक है, ये फाइल हमारी लोड हो चुकी है और अब हम इसका साइज रिड्यूस करने वाले हैं। तो इसका साइज रिड्यूस करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप यहाँ पर ब्राउज पर आते हैं, यहाँ ब्राउज में। तो ब्राउज में आप इस फाइल को जहां भी मतलब सेव करना चाहते हैं, आउटपुट आप जहां लेना चाहते हैं, आपको इसकी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप, चलिए हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं इसकी ब्राउज पे क्लिक करके, और हम यहाँ इसका फाइल का नाम दे देते हैं टेस्ट 2 और फॉर्मेट हमारा MP4 ऑलरेडी पहले से ही सेलेक्ट है। अभी आप इसको सेव कर दीजिए। अभी हमने ये सेव कर दिया, अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। चलिए हम इसको जूम करके देख लेते हैं ऑप्शन को। यहाँ पे आपको एक पिक्चर, फिल्टर्स, वीडियो, ऑडियो, सबटाइटल्स, चैप्टर। तो सबसे पहले आपको पिक्चर्स पे क्लिक करना है, यानी पिक्चर्स पे जाना है। पिक्चर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है। बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले ऑप्शन आप यहाँ देखिए, ये है आपका ऑटोमेटिक है और एक कस्टम है। ठीक है, जब आप यहाँ ऑटोमेटिक और कस्टम पे आते हैं तो यहाँ आपको ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम
इस तरीके से आपको कुछ चीजें दिखाएंगी। तो आपको यहाँ सब कस्टम पे क्लिक करना है, ठीक है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप ये देखिए कि लेफ्ट टॉप और राइट और बॉटम यहाँ सब जगह जीरो होना चाहिए। अगर आप किसी वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जीरो नहीं है तो आप मैनुअली आप उसको जीरो कर लें, सबसे पहला काम, ठीक है। और यहाँ आपको ये इस एरिया में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आप अपनी वीडियो का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो मेरी ये वीडियोस का जो साइज है वो तकरीबन मेरी फुल एचडी में है ये वीडियो। देखिए यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी जो वीडियो है वो फुल एचडी में है, ठीक है। तो यहाँ आप मैं जो आउटपुट लेना चाह रहा हूँ अपनी जिस वीडियो का, मैं बिल्कुल सेम फुल एचडी में लेना चाह रहा हूँ। तो आप चाहें तो अपनी वीडियोस का आउटपुट कम क्वालिटीज में ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप 720p में ले सकते हैं, 1280 में ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वीडियोस का आउटपुट किस पे करके लेना चाहते हैं। मैं तो यहाँ फुल एचडी लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का आउटपुट चाहते हैं। तो दोस्तों बस आपको यहाँ पिक्चर्स में यही सेलेक्ट करना है और आपको फिर फिल्टर्स पर कुछ नहीं करना, वीडियोस में आपको कुछ नहीं करना, ओके। और उसके बाद आपको ऑडियो पे जाना है। अगर आप ऑडियो की क्वालिटीज को चेंज करना चाहते हैं, वैसे आपको ऑडियोज में आप 128 सेलेक्ट कर मतलब अगर कर लेते हैं तो आपकी मतलब जो वीडियोस का साइज है उस पर ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और नहीं भी आप मैनुअली चेक कर सकते हैं कि आप खुद से चेक करें कि आपको मतलब कैसा करना है कैसा नहीं करना। वैसे बेसिक जो है आपको बस यहाँ पिक्चर्स में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं टॉप लेफ्ट और राइट और ये यहाँ पे आपको जीरो रखना है बस। अब इतना करने के बाद में आपको सबसे अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना सिंपली। और सॉरी आपको मैं एक चीज बताना भूल गया कि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है ये वेब ऑप्टिमाइज्ड, तो यहाँ पे आपको इसको टिक करना है, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो नीचे, यहाँ देखिए नीचे कि यहाँ नीचे आपकी जो वीडियो कन्वर्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये कुछ टाइम लेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियोस काफी लंबा ना हो जाए, ओके। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा हम उसके बाद फिर चेक करते हैं कि हमारी वीडियोस का साइज कितना कम हुआ। अभी ये रिमेनिंग टाइम देखो यहाँ पर रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है 3 मिनट, तो अभी भी इसको कन्वर्ट होने में 3 मिनट लगने वाले हैं। तब तक के लिए हम वीडियो को फिर से पॉज कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी वीडियो लगभग 96% कंप्लीट हो चुकी है और रिमेनिंग टाइम केवल 10 सेकंड रह चुका है, यानी कि लगभग होने ही वाली है। और ये देखो हमारी वीडियो कंप्लीट लगभग हो ही गई। तो अभी ये थोड़ा सा इसमें देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है क्यू फिनिश्ड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये दिखा रहा है फिनिश्ड। अभी हमारी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और ये पूरी फिनिश हो चुकी है। अब हम इस वीडियो को देखते हैं जहां पर हमने इस वीडियो को सेव कराया और हमने इस वीडियो का नाम दिया था टेस्ट 2 के नाम से। अब हम ये देखते हैं अपनी पहली वीडियो से कंपैरिजन करके कि इस वीडियो की क्वालिटीज में कुछ फर्क आया है या नहीं और इसका साइज कितना रिड्यूस हुआ है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने उसी फोल्डर में जहाँ डेस्टिनेशन में जहाँ हमने इसको सेव करा है। तो चलिए चल के देखते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ इसमें, ये देखिए ये वो वीडियोज है जो अभी हमने कन्वर्ट करी है टेस्ट 2 के नाम से और ये वो वीडियो है जो हमारी पहले थी। इस वीडियो को हमारी पहली वीडियो का साइज हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। इसका साइज हमारा है 1.69 GB, ठीक है। अभी आप ध्यान से देख लें इसका साइज है 1.69 GB, ओके। अभी हम फिर से हम अपनी इस वीडियो का साइज चेक करते हैं जो अभी हमने कन्वर्ट करी है। देखिए टेस्ट 2 प्रॉपर्टी में यहाँ जाने के बाद में देखिए दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि आप यहाँ पर 1.69 GB की वीडियो को हमने यहाँ 29.7 MB में कन्वर्ट कर दिया है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि हम ये देखते हैं कि ये वीडियोस की क्वालिटी भी क्या सेम वही पहले हमारी पहले वाली वीडियो की जैसी है या हमारी क्वालिटीज में फर्क आया कुछ।
तो अभी हम इसके लिए अपनी वीडियो को प्ले करके देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हम प्ले करते हैं अपनी कन्वर्टेड वीडियो को। देखिए दोस्तों, अभी तक तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखिए सेम, बिल्कुल सेम वही क्वालिटीज है जो हमारी पहली वीडियो में थी, यानी कि जो हमारी लगभग जिसके साइज 1.69 GB था जिस वीडियो का, उसकी भी क्वालिटी यही थी। और हमारी ये जो कन्वर्टेड वीडियो है जिसका साइज लगभग आई थिंक 36 MB है शायद, इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में कुछ भी फर्क नहीं है। तो दोस्तों आप सोचिए कि आप अपने मोबाइल में इस तरह कन्वर्टेड करके वीडियोस को कितना स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको ये वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, यानी कि आपको अगर ये मेरा काम अच्छा लगा, मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी, तो आप इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप जब कभी किसी, मेरी नहीं, आप जब कभी भी किसी की भी वीडियोस देखें, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आपका लाइक करने में कुछ भी खर्च नहीं होता। और लाइक करने के साथ साथ आप जब भी आप किसी का भी वीडियोस देखें तो प्लीज उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब कोई वीडियोस बनाता है, यानी कि जब यूट्यूबर्स होते हैं, खास करके हम जैसे नए नए यूट्यूबर्स होते हैं, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि यार जब उनकी, यानी कि हमारी कोई वीडियोस देख रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि बदले में सिर्फ वो इतना चाहते हैं कि उनको सब्सक्राइबर्स मिले। जब सब्सक्राइबर मिलते हैं तो उनमें मतलब हौसला बढ़ता है, नई नई, मतलब वो ये सोचते हैं कि यार हम नया टॉपिक क्या लेके आए, किस टॉपिक पे हम नई वीडियो बनाए ताकि हम अपने व्यूवर्स को अच्छे से अच्छी जानकारी दें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बात से सहमत है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है कि हाँ यार भाई मैं सही कह रहा हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी अगर आप मेरी वीडियोस देखें और आपको लगता है कि हाँ मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो मेरी वीडियोस देखने के बाद में प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज मेरी वीडियोस के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा मतलब मैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और अभी हम मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।